अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हमने आपको आज हम आपके साथ फिर ज्वाइन करे हुए हैं और हमने आपको लास्ट टाइम डिवाइसेस दिखाई थी सैमसंग A32 और वीवो Y33S और आज हम आपको दिखाएंगे ओप्पो का F21 Pro जो कि बिल्कुल लेटेस्ट डिवाइस है। पीछे ग्लॉसी स्टाइल दिया है, ना कि ग्लास दिया है, ना कि टेक्सचर दिया है, ग्लॉसी स्टाइल दिया है। और इसके अलावा इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं देखने को मिलता है, इसमें एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। और इसमें एक डेप्थ सेंसर, ये जो आपको माइक्रोस्कोप कैमरा दिया गया है, सबसे मेन खासियत इसी ये चल रही है जो कि बहुत ही माइक्रो मिनी माइक्रो पे जाता है और आपको बहुत ही स्लो एकदम आपकी जो चीज़ आपको कोट करानी है, चेक करनी है, वो बिल्कुल ही आपको हम आपको चेस कराते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मार्बल है और ये मार्बल के देखें आपको ये डॉट नज़र आ जाएंगे मार्बल के। इसके अलावा हम आपको हैंड, ये एक हाथ है, हाथ पे आप ये चेक कर सकते हैं किस तरह ये आपको बिल्कुल खाल की बिल्कुल बारीकियां दिखा रहा है, बाल वगैरह, ये इसकी बहुत अच्छी खासियत है। और इसके अलावा इसमें लाइट दी गई है इसी कैमरे पे, ताकि माइक्रो सेंसर है, जब आप बिल्कुल एंड में पहुंचाएंगे तो आपको लाइट की नीड होगी, इसलिए इसमें लाइट दी गई है। 8GB रैम, 128 बिल्टन मेमोरी। इसके अलावा 4500 mAh बैटरी है, 64MP मेगापिक्सल इसमें कैमरा है। और रिफ्रेश रेट देखा जाए तो इसमें वही सैमसंग A32 वाला है, 90Hz रिफ्रेश रेट है, 12 एंड्रॉयड पे यह है और 13 पे अपग्रेडेबल जाएगा। इसके अलावा 53,000 रुपीज़ में ये लॉन्च किया गया है पाकिस्तान वेरिएंट। और जो है इसका प्रोसेसर देखा जाए तो प्रोसेसर इसका स्नैपड्रैगन 684G वाला प्रोसेसर है इसका, जो कि एक अच्छा प्रोसेसर रखता है स्पीड के हवाले से, गेमिंग वगैरह के हवाले से और प्रोसेसिंग वगैरह बाकी सारी आपकी चीज़ों के हवाले से। और टच की बात की जाए तो ये भी बहुत प्यारा है। फ्रंट कैमरा देखा जाए तो फ्रंट कैमरे में भी हम आपको बहुत ही अच्छी एक रेजोल्यूशन मिल जाती है फ्रंट कैमरे में भी। इसके अलावा जो है ये बहुत एक अच्छी डिवाइस है इस प्राइस रेंज के हिसाब से देखी जाए तो।